हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, मैं इससे पहले आपको दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ। नया सिलेबस आने वाला था, वो भी नोटिस किया था मैंने। इसके बाद नया सिलेबस आया, वो भी आपको दिखाया। इसके बाद आज आपको दिखलाने वाला हूँ साइंस का, जो सिलेबस चेंज हुआ है साइंस में, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बाय द वे, इससे पहले मैं आपको दिखाया था और बोला भी था कि आप खुद से डाउनलोड करके PDF आप रीड कर जाइए। आपको रीड करना था, आपको समझना था, पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, नहीं समझ पा रहे तो मैं वीडियो बना ही देता हूँ, वो सोचा मैंने, और इसलिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे। यहाँ पे तो सब समझ में आता ही है आपको। फुल मार्क 100 का है, 19 थ्योरी है, असाइनमेंट 10 मार्क का है, 27 लाना है, 30 मार्क पास है, 3 आवर ड्यूरेशन है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सभी को समझ में आता है। यहाँ पर देखते हैं Chapter 1 में क्या है। मैटर इज आवर सराउंडिंग, उसके बाद दिया है ये जो Chapter 1 है। एक मिनट देखने दीजिए, ये वाला Class 9 का है, सॉरी Class 10th वाले चलते हैं, 10 वाले, इसलिए मुझे थोड़ी कन्फ्यूजिंग आ गई थी। चलिए Class 10 में चलते हैं। 9 वाला भी देखिएगा बच्चे, 9 वाला भी देख रहे हैं तो वो भी अपना सिलेबस को चेक कर लें। मैं 10 वाले के लिए बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको छोड़ना क्या है, अब इसको आपको बात देना है। 1.3 आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2.4 को छोड़ना है, और आपको पढ़ना क्या क्या है वो पढ़ने वाला लिस्ट यहाँ पे दिया है। पढ़ने वाला ये सीधा आपको पढ़ना है, जिस तरह Chapter 1 में 1, उसके बाद 2.3 नहीं पढ़ना है, 0.5 पढ़ना है। Chapter 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट में 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, लेकिन 2 और 4 को छोड़ना है। लेकिन 2 और 4 को देखिए, 2.4 को छोड़ना है, 2.4 को। 2 में बहुत सारा है, 2 में सब पढ़ना है, लेकिन 2.4 को छोड़ना है, ठीक है। बस जो जो यहाँ पे छोड़ा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। 3.4.6 ये देखिए, 3.4.6 को ये सब छोड़ देना है, इधर वाला पढ़ना है। तो इस तरह करके सभी चैप्टर के है, आप देख लीजिएगा। बस लास्ट का एक इंपॉर्टेंट दिखाना, हाँ ये Chapter 10 मार्क देता है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो 10 मार्क दे रहा है, जिस तरह हो गया लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे डायरेक्टली फुल्ली चैप्टर पढ़ने के लिए बोला है। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी चैप्टर जो है फुल्ली चैप्टर पढ़ना है, तो इस पर 7 मार्क था। इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है, ये नोट कीजिएगा कि जो Chapter 16 है उसको टोटली बंद कर दिया गया है, आपको चाहिए नहीं, सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, वहाँ पे 16 चैप्टर है भी नहीं, तो आप छोड़ दीजिएगा। ये था आज का साइंस का एनालिसिस। आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना है। अब बाय द वे, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको बोल रहा हूँ, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारे जो इस चैनल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो डाला गया है, चाहे वो हिंदी के लेकर हो, चाहे हिंदी के ग्रामर हो, इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस का Chapter 1, 2, 3 टोटली समझा दिया गया है, 4 भी समझाए हैं। इसके बाद मैं लाइव प्रोसेस स्टार्ट करने वाला था, वो भी स्टार्ट करूँगा, उसमें क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया है, वो आराम से देख लीजिएगा। और आपकी कोई क्वारी है तो नीचे ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा नीचे, और अगर अच्छा लगता है फिर भी एक थैंक्स का कमेंट करना चाहिए आपको, ठीक है। लाइक तो आता ही नहीं है, छोड़ दीजिए, लाइक तो कोई बच्चे करते नहीं है, बस वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, तो ये ठीक है नहीं, ठीक है बच्चे। एक लाइक करने से मुझे भी मोटिव मिलेगा कि हाँ नहीं, टीचर को भी पढ़ाने के लिए आग्रह होना चाहिए कि बच्चे पसंद करेंगे तभी टीचर पढ़ाएंगे। बच्चे अगर मैं बना रहा हूँ और खा रहा हूँ, टेस्ट ही ना लगे तो आप वो खाना क्यों बनाइएगा, मेरा मतलब ये, आपको अगर पसंद ही ना आए तो मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो। तो आपको पसंद आना चाहिए, और पसंद कब आएगा मुझे कब समझ में आएगा, जब आप लाइक कीजिएगा। तो बाय द वे, आप ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।